गजब है एकदम मंदिर, हर तरफ से हर एंगल से मस्त मंदिर है। देखो पूरी दीवार पे क्या मस्त डिजाइनिंग करी हुई है। गुफा तो बड़ी, बहुत ही लंबी यात्रा करवाती एकदम वैष्णो देवी वाली, सारी गुफाओं में घुसा दिया। एक गुफा में तो मैंने कैमरे ऑन कर लिया था थोड़ी सी देर के लिए, फिर वो ना टोक देते हैं मतलब खड़े। यार वैसे 7 फ्लोर चढ़ने में ना हालत तो हो गई खराब, पर लेकिन हमने सारे फ्लोर देख लिए अच्छे से। अब ये लोग आते रहेंगे आराम से देख देख के, हम जा रहे हैं सबसे नीचे। और ये एक और व्यू है 6th फ्लोर से, और फ्रॉम द अनदर साइड ऑफ दिस टेम्पल, अनदर साइड ऑफ गंगा। और वो देखो वहाँ पर गंगा जी, मैं दिखाता हूँ उंगली से, वो जो है ना लास्ट में मस्त। चलो यार हम तो आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, अब हमारे बस की नहीं है, 7 फ्लोर चढ़े 7 फ्लोर उतरे, ऊपर से ये बैग तो वजनदार हो गया, काफ़ी कैडी कसरत हो गई, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। मैं चलो हम जा रहे हैं नीचे, आप लोग आते रहो। तो मम्मी भाभी और पापा अभी हमारे जो है देख रहे हैं, हम जा रहे हैं नीचे। देखो हमारी फैमिली वाले वहाँ ढूंढ रहे हैं हमें, तीनों जने, उन्हें ये नहीं दिखा कि हम यहाँ बैठे हैं। अरे अरे यार बड़े फोटो और पापा ने और इन्होंने तो उस तरफ देखा भी यार, उसके बावजूद हमें ढूंढ रहे हो। तुमने उस तरफ देखा भी यार कि हम बैठे हैं वहाँ। भारत माता मंदिर के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हमने एक सिकंजी वाले से पूछा था तो उन्होंने बताया कि भैया सारे मंदिर आगे इसी रास्ते पे हैं। चलो ठीक है, तो मैंने गाड़ी ले आओ, फिर पैदल पैदल कहाँ तक जाएंगे, हम थक जाएंगे, वैसे ही थक गए 7 फ्लोर चढ़ने में। चलो यार ये पहुँचे हैं हम मंदिर माता लाल देवी जी भारत दर्शन, ये ना इसको बोलते हैं गुफा वाला मंदिर भी है। देखो जैसे लिखा हुआ ना सबसे ऊपर सिद्ध पीठ पवित्र गुफा वैष्णो देवी, तो गुफा वाला मंदिर भी है ऊपर। चलते हैं अभी इसके अंदर देखते हैं अगर अलाव होगा नहीं होगा इसको अंदर कैमरा, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है इतना बड़ा मंदिर अलाव है नहीं है पता नहीं मेरे को कैमरे का। और इसके बराबर में एक मस्त चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी ज़्यादा टाइम, वो एक आश्रम है जिसके आश्रम का एक्सटीरियर बहुत ही मस्त बनाया हुआ उन्होंने। तो यहाँ से इसके मंदिर की एंट्री, तो मंदिर प्रवेश द्वार, लेट्स सी बस यार अंदर अलाव हो वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मूड खराब हो जाएगा सारा। ऐसे सब बहुत बढ़िया, और यहाँ पे ना जूते चप्पलों का कोई ऐसा नहीं है कि रखने की जगह हो, बस ऐसी है नॉर्मली कहीं भी रख दो। तो चलते हैं, और ये देखो भाई गजब है एकदम मंदिर, हर तरफ से हर एंगल से मस्त मंदिर है। देखो पूरी दीवार पे क्या मस्त डिजाइनिंग करी हुई है। और इस तरफ से है मंदिर प्रवेश द्वार, मतलब कि गुफा के लिए रास्ता है इस तरफ से। तो पहले हम सामने चलते हैं, बाद में चलेंगे गुफा में, पहले सामने चलते हैं ना। नहीं नहीं मंदिर वही है, एंट्री यही है, सॉरी। भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, ये देखो बंदर बना के रखे हुए हैं। अब जाएंगे हम कोक में, ये है वाली मेन गुफा जो अर्धकुंवारी को बोलते हैं ना। गुफा तो बड़ी मस्त है।
चलो यार मंदिर के दर्शन तो कर लिए। और पता है स्टार्टिंग में वीडियो बनाते बनाते मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था फोटो वीडियो बनाना सख्त मना, पकड़े जाने का 500 रुपये जुर्माना। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बनाई जैसा कि आपने देखा, और मैं एक चीज़ दिखा रहा था ना आपको, वो दिखाता हूँ इसके बराबर में, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, शिव जी की पूरी मूर्ति बनाई हुई है अपने अपने आश्रम के बिल्कुल एक्सटीरियर में। मज़ेदार से हैं अब देखो, मैं बाहर से बताता हूँ यार, ऊपर से तो दिखा नहीं पाया, ये सारा मंदिर है। चलो फिर से मैं दिखाता हूँ बाहर से। सबसे ऊपर है सूर्य देव जी का रथ, और उसके बाद शिव जी, इधर हैं हनुमान जी, इस तरफ है गणपति जी, और इधर कौन है, इधर सरस्वती जी शायद हैं पीछे की तरफ, ये गंगे माँ है, ये गंगे हैं। तो चलो अब चलते हैं, बहुत ही लंबी यात्रा करवा दी एकदम वैष्णो देवी वाली, सारी गुफाओं में घुसा दिया। एक गुफा में तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था थोड़ी सी देर के लिए, फिर वो ना टोक देते हैं, मतलब खड़े रहते हैं उनके बंदे मंदिरों में, तो फिर मैं बंद कर लेता हूँ। अब इस लाइन के आए हम तीसरे मंदिर पे, ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसके तो बाहर ही लिखा हुआ है फोटो एंड वीडियो बनाना सख्त मना है, पर हम बड़े बेशरम हैं, हम वीडियो थोड़ी कहीं ना कहीं से चोरी छुपे से बना लेते हैं कि अंदर का दिख तो जाए कैसा है, बट यार क्या करें, जब सफ़ा सफ़ा लिखा हो तो रिस्क नहीं ले सकते, 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना यार, इससे तो मैं मोनेटाइज होता ना, चलो तो मैं रिस्क ले लेता, बट एनीवे चलते हैं जल्दी से। क्या